बात पार्श्वनाथ डेवलपर्स की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ को 4 हफ्ते के अंदर 12 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। दरअसल ये मामला गाजियाबाद के पार्श्वनाथ एक्जोटिका प्रोजेक्ट का है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन यानी कि NCDRC ने पार्श्वनाथ एक्जोटिका प्रोजेक्ट के 70 ग्राहकों को 4 हफ्ते के अंदर मूल रकम 12% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश सुनाया था। NCDRC के इस फैसले के खिलाफ पार्श्वनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने NCDRC के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और पार्श्वनाथ को 12 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पार्श्वनाथ को आदेश दिया कि GDA से नक्शा मंजूर होता है तो दिसंबर 2017 तक फ्लैट बनाकर ग्राहकों को सौंपे। पार्श्वनाथ एक्जोटिका प्रोजेक्ट के 2 टावर पर विवाद चल रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पार्श्वनाथ ने सफाई दी। पार्श्वनाथ का कहना है कि उन्हें अभी तक कोर्ट का आदेश नहीं मिला है, हालांकि कंपनी कोर्ट के आदेश को मानने के लिए बाध्य है। हीरो फिनकॉर्प अब फाइनेंस के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए होम लोन भी देना शुरू करेगी। कंपनी की हाउसिंग फाइनेंस, यूज्ड टू व्हीलर और यूज्ड कार के लिए लोन देने की योजना है। हीरो फिनकॉर्प के CEO अभिमन्यु मुंजाल और हीरो ग्रुप के चेयरमैन पवन मुंजाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नंद कुमार नायर ने। एक बहुत बड़ा टारगेट है जो कि आपने 2020 के लिए रखा है, 35,000 करोड़ का। इस टारगेट को रीच करने के लिए किन तरह के टूल्स का आप इस्तेमाल करेंगे? तो दिस टारगेट, इतना बड़ा टारगेट साउंड करता है, बट वन ऑफ आवर पार्टनर सेड द लोन्स आउटस्टैंडिंग इज 90 लाख करोड़। उसमें हमने सिर्फ 35,000 वी हैव टू चेरी पिक, बट वी विल यूज टेक्नोलॉजी as a disruptor and as a innovator, and we will also increase our penetration from 2000 touch points. We want to go to 4000 touch points, so we will increase coverage, we will go deeper in the locations where we are present, and we will use technology as a tool to reach this target. Okay. आने वाले समय में हीरो फिनकॉर्प को, जो कि पहले सिर्फ टू व्हीलर की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था, अब बाजार बढ़ेगा और ये पूरा फाइनेंशियल सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, इसकी शुरुआत हुई थी एज अ टू व्हीलर फाइनेंसिंग कंपनी, मगर पिछले 3 साल से हमने ये डिसाइड किया है और इस कंपनी को रीएनर्जाइज किया है एज अ फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। तो आज की तारीख में ना सिर्फ टू व्हीलर फाइनेंसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग करती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे रही है, SMEs को फाइनेंस कर रही है, आगे चलते हुए जो नए बिजनेसेस शुरू करने जा रही है, हाउसिंग फाइनेंस, यूज टू व्हीलर्स और यूज कार फाइनेंस जी, वो ये सब करते हुए ये एक फुल फ्लेज्ड फुल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बन जाती है। और मुंबई में झुग्गी झोंपड़ियों का रीडेवलपमेंट करने वाले बिल्डर्स की फाइनेंशियल रेटिंग होगी। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी SRA बिल्डर्स की वित्तीय स्थिति को देखकर उनकी रेटिंग करेगी। करीब 250 झुग्गी झोंपड़ियों के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अटकने के बाद SRA ने यह नियम लागू करने की योजना बनाई है। स्कीम के तहत SRA प्रोजेक्ट में रजिस्टर करने वाले बिल्डर्स को अपनी आर्थिक स्थिति SRA से साझा करनी होगी। बिल्डर्स की वित्तीय हालत के आधार पर ही उन्हें SRA के प्रोजेक्ट दिए जाएंगे और अभी इसके लिए कोई आर्थिक पैमाना तय नहीं है। राज्य सरकार के इस कदम से प्रोजेक्ट हासिल करके दूसरों को ट्रांसफर करने वाले बिल्डर्स के मंसूबों पर पानी फिरेगा। राज्य सरकार ये कदम इसलिए भी उठा रही है ताकि 2022 तक सबके लिए घर का लक्ष्य हासिल किया जा सके।